नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें अंतिम जो टॉपिक बचता है वो है बहुलक, इसका मतलब पॉलीमर। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी उनमें से रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उदाहरण, ये सभी बनते हैं जो कि आपसे प्रश्नों के रूप में पूछे भी जाते हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इनको समझने की भी कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर पाएं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि आपने इस चैप्टर की और वीडियोज अब तक नहीं देखी हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा, वहां से आप उन वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक जुड़े जरूर रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुलक या पॉलीमर। देखिए, बहुलक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के जुड़ने से बने, मतलब कि अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं, तो वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम बहुलक कहते हैं। अधिकांश छोटे छोटे डेफिनेशन जो है इसकी, एक्यूरेट डेफिनेशन वो ये है कि जब किसी अभिक्रिया में बहुत छोटे छोटे अणु, अनेक अणु मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। और जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, इसे कहा जाता है बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलकी करण। तो अभिक्रिया का जो नाम है वो तो हो जाएगा बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन, और इस अभिक्रिया से जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं बहुलक। अब जो इसमें सरल अणु होते हैं, मतलब कि जो छोटे होते हैं, उनका भी कुछ नाम होता है और उनको कहा जाता है एकलक। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो मोनोमर, इसका मतलब अनेक छोटे छोटे अणु जब जुड़ के बड़ा अणु बना रहे हैं तो उसको तो हम पॉलीमर कहेंगे, लेकिन जो छोटे अणु हैं उनका जो नाम है उसे कहा जाता है एकलक या मोनोमर। ठीक है, तो ये तो इसके डेफिनेशन की बात हुई कि भाई जब बहुत सारे छोटे अणु जुड़ रहे हैं, एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको तो हम कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन अब बात आती है कि इसकी प्रकार कितने होते हैं, इसको कितने भागों में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी और विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, इधर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुलकों के अगर हम प्रकार की बात करें, बहुलक के प्रकार, आप नोटबुक जरूर लिख के लेके बैठिए, जिससे कि आप हाथों हाथ इन टॉपिक्स को लिख भी सकें। ठीक है, तो बहुलक जो हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक और दूसरे, सीधी सी बात है, हो जाएंगे कृत्रिम, या कृत्रिम का ही दूसरा नाम हो जाता है संश्लेषित बहुलक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं प्रकारों में। पहला है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। इनकी परिभाषा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक को। देखिए, प्राकृतिक बहुलक जो है ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब है कि प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधों से, या प्रकृति से अगर कोई हमको बहुलक प्राप्त हो रहा है तो उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण देखने को मिलता है वो उदाहरण देखने को मिलता है प्राकृतिक रबड़। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक के अगर हम उदाहरण की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण देखने को मिलता है वो भी देखने को मिलता है प्राकृतिक रबड़। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्राकृतिक बहुलक जो है ऐसे बहुलक जो हमें प्राकृतिक पदार्थों जैसे पेड़ पौधों से अगर प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें प्राकृतिक बहुलक कह दिया जाता है। प्राकृतिक बहुलक का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है प्राकृतिक रबड़। अब हम प्राकृतिक रबड़ को डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ की क्या विशेषताएं होती हैं, ये किस प्रकार से बनता है, उन सबको अब हम जो है वो डिस्कस इसमें करेंगे।
प्राकृतिक रबड़। सबसे पहली जो खासियत आपको याद रखनी है प्राकृतिक रबड़ की, वो ये है कि ये रबड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। रबड़ का जो वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है, मतलब कि जो उसका तना होता है, उसकी छाल में एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है। जैसे कि आप समझे कि भाई ये जो है ये रबड़ का वृक्ष है, उसका तना है। इस तने के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे कि ये इसकी छाल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा कट लगा दिया जाएगा ऐसे, और कट लगाकर कुछ इस तरीके से उसमें एक रास्ता ऐसा बना दिया जाएगा, और यहां पर जो है एक पात्र को लटका दिया जाता है, कुछ इस तरीके से एक पात्र को लटका दिया जाता है। अब होगा क्या कि इसके तने से एक पदार्थ निकलता है, दूध जैसा पदार्थ, और उस दूध जैसे पदार्थ का नाम होता है लेटेक्स। दूध जैसा पदार्थ जिसका नाम होता है लेटेक्स, ये लेटेक्स जो है वो इससे निकलता रहता है और निकल निकल के इस पात्र में इकट्ठा होता रहता है। इस पात्र को फिर यहां से हटा लिया जाता है और उसको फिर आसानी से जो है वो रबड़ में अब जो वो प्राप्त हो रहा है वो तो प्राकृतिक रबड़ है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ की समस्या ये होती है कि वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता जितना हम उसको समझते हैं। ज्यादा मजबूत नहीं होता, थोड़ा सा खींचेगा, खींचने पर टूट जाएगा। तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि जो उसकी खींचने की क्षमता है, इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है, तनन क्षमता जो है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो लेटेक्स से बना। अब होता क्या है कि इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो किया क्या जाएगा, प्राकृतिक रबड़ जो है, इस प्राकृतिक रबड़ में हम एक पदार्थ मिक्स करते हैं जिसका नाम है सल्फर, ठीक है। और इस सल्फर को मिक्स करके, जब सल्फर इसमें मिक्स कर दी जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा मजबूत रबड़ जो है वो बन जाता है, और इस रबड़ को अब कह दिया जाता है वल्कनीकृत रबड़, ठीक है। तो रबड़ की ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि भाई प्राकृतिक रबड़ तो इतना मजबूत नहीं होता, तो आप इसको मजबूत कैसे बनाते हो, तो मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला दिया जाता है जिससे कि जो उसकी इलास्टिसिटी है, इसका मतलब तनन क्षमता जो है, वो कई गुना जो है वो बढ़ जाती है, और इससे जो हमें रबड़ प्राप्त होता है उसे कहा जाता है वल्कनीकृत रबड़। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको करने की, उस प्रक्रिया का नाम होता है वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, ठीक है। तो उस प्रक्रिया का नाम तो है वल्कनीकरण, और इससे जो प्राप्त हो रहा है उसे कहा जाता है वल्कनीकृत रबड़। एक पॉइंट और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अभी मैं यहां पर रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा कि ये कैसे बनता है। तो प्राकृतिक रबड़ में आपसे कुछ वन लाइनर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ये भी हो सकता है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका होता है, तो ये आइसोप्रीन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसका जो है ये बहुलक होता है। तो ये सभी की सभी जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी किसके बारे में, रबड़ के बारे में। अब आपसे पूछा जाए भाई आइसोप्रीन का सूत्र क्या है, तो आइसोप्रीन का जो सूत्र होता है वो भी मैं यहां लिख देता हूं। देखिए आइसोप्रीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहां पर कुछ इस तरीके से जो है वो इसका सूत्र होता है, सॉरी सी केवल, और ठीक है। तो ये इसका सूत्र है आइसोप्रीन का, और ये इसके बहुत सारे जो अणु हैं वो जुड़ करके इसका निर्माण करते हैं। जब ये बहुत सारे इसके अणु जुड़ेंगे, अगर मैं देखूं यहां पर मान लीजिए इसके एन अणु लिए मैंने, एन का मतलब हो गए संख्या, 10, 20, 50 कितने भी, ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर निर्माण कर लेते हैं रबड़ का। देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आइसोप्रीन। तो ये विशेषताएं थी आइसोप्रीन की कि उसका निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये तो है आइसोप्रीन, और जब इसके कई अणु जुड़ जाएंगे एक दूसरे से तो ये बन जाएगा रबड़, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक रबड़ के बारे में कि उसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो हमने मुख्य रूप से प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ने के बाद हमने प्राकृतिक रबड़ जो कि उसका उदाहरण था उसके बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कृत्रिम बहुलक। तो आप समझिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझना और नोट बिल्कुल अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो आता है अब कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक।
देखिए इधर, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में बनाए जाएं। इसका मतलब या तो प्रयोगशालाओं में बनाए जाएं या उद्योगों में उनका निर्माण किया जाए, उनको हम कृत्रिम बहुलक कहते हैं। तो ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कह देते हैं। अब इनमें भी मुख्य रूप से दो प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलते हैं कृत्रिम रेशे और एक देखने को मिलता है प्लास्टिक। तो अब कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक ये दोनों ही संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के उदाहरण, ठीक है? तो प्लास्टिक के बहुत सारे उदाहरण हम इसमें डिस्कस करेंगे और इन प्लास्टिक के उदाहरणों में सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो आती है पॉलीथीन। एक एक करके नोट करते जाना भैया ना। सबसे पहला जो उदाहरण आ रहा है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो किसका बहुलक होती है? तो पहला पॉइंट हो गया यह एथीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? एथीन का। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो एथीन का सूत्र होता है C2H4। मतलब कि इसके जब बहुत सारे अणु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीथीन का निर्माण कर देंगे। उपयोग क्या है इसका? तो इसका उपयोग थैली बनाने में होता है। और भी क्या क्या उपयोग है वो आपको पता ही है। किसके? पॉलीथीन के। मुख्य रूप से जो उपयोग है वो थैली बनाने में है, ट्यूब बनाने में है, पाइप बनाने में है। इन सब चीजों में हम पॉलीथीन का जो है वो उपयोग करते हैं। अब मैं आपको यहां अभिक्रिया इसके लिख के बता रहा हूं कि ये बनता कैसे है। देखिए CH2 आपको कुछ नहीं करना है। यहां सूत्र हमने लिखा, इसके एन अणु लिए, एन का मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? और इस द्विबंध को आपको एकल बंध में रूपांतरित कर देना है। कैसे? देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और यहां पर लिख देंगे N। ये बन गया पॉलीथीन। और यहां पर ये जो बना है ये क्या था? एथीन। तो एथीन क्या, आपने जब बहुत सारे अणु लिए तो वो रूपांतरित हो जाएंगे पॉलीथीन में। तो ये इस तरीके से जो है वो पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो ये तो पॉलीथीन के बारे में था कि भाई इसका जब आप बहुलकीकरण करेंगे तो बहुलकीकरण करने पर पॉलीथीन का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा जो उदाहरण है वो कि वो किसमें। तो दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है PVC। पहला उदाहरण था पॉलीथीन और जो दूसरा उदाहरण है वो है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको साधारण भाषा में बोल दिया जाता है PVC, ठीक है? इसका आपने जरूर नाम सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, देखिए नाम में छिपा हुआ है, ये किसका बहुलक है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड नाम का एक पदार्थ है जिसका ये क्या होता है? बहुलक होता है। तो हम कैसे इसका, अच्छा इसका उपयोग कहाँ है भाई? तो इसका उपयोग सबसे पहला तो पाइप बनाने में होता है, जूते बनाने में होता है, थैले बनाने में होता है, और भी कई जो हैं वो इसके उपयोग हैं जहां जहां पर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? PVC का। और भी कई उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो भाई रेनकोट वगैरह हो गया, विद्युत रोधी उपकरण अगर हमें बनाने हैं तो उन सब चीजों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। हाँ, एक और उदाहरण जो इसका विशेष रूप से उपयोग वो है फोनोग्राम के रिकॉर्ड। ये फोनोग्राम इस चैप्टर में दूसरी बार आया है भाई। तो फोनोग्राम के रिकॉर्ड मतलब बड़ी बड़ी CD टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, तो वो जो ब्लैक कलर की CD टाइप स्ट्रक्चर होती है वो भी फोनोग्राम के रिकॉर्ड होते हैं। तो उन सबको बनाने में जो है वो PVC का उपयोग किया जाता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया इसकी कैसे संपन्न होती है। देखिए इधर, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL, ये है PVC। ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये लिखा है विनाइल क्लोराइड का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे अणु लेंगे और उनको एक दूसरे में जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, द्विबंध जो है वो हमको बदल देना है सिंगल बंध में। ये निर्माण हो गया PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो कुछ इस तरीके से जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC की अभिक्रिया संपन्न होती है। देख लीजिए आप, सब कुछ जो नोट करना है वो नोट आप कर सकते हैं, बोर्ड पे लिखी हुई है सारी की सारी चीजें कि PVC के
नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका छोटा नाम क्या है, बनता किससे है, किसका वो बहुलक होता है, साथ ही साथ उसके उपयोग कहाँ कहाँ हैं, उन सबको आप इस वीडियो के अंदर आसानी से, साथ ही साथ इसकी अभिक्रिया, ये मुख्य रूप से पूछी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान से लिख लीजिए। विद्युत रोधी रिकॉर्ड में भी होता है इसका उपयोग, वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लिख लिया होगा आपने, तो अब हम अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है PAN, पैन या आर्लॉन, ठीक है। तो उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अब। चलिए, लिख लिया होगा ये अब आपने, तो अब अगला हम डिस्कस करते हैं पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, या पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल जो है उसको अब हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश। तो देखते हैं अब इसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड को, तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, पीवीसी के बारे में तो हमने समझ लिया सब कुछ, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, इसका साधारण नाम है आर्लॉन, पैन भी इसको बोलते हैं और इसका जो साधारण नाम है वो है आर्लॉन, ठीक है। देखिए इधर ये किससे बनता है भाई, तो ये बनता है एक्रिलो नाइट्राइल के बहुलकीकरण से, मतलब कि एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, नाम में ही पता चल जाता है। पॉली का मतलब होता है अनेक, देखो सरल भाषा में समझो, पॉली का मतलब होता है अनेक, तो एक्रिलो क्या अनेक, तो एक्रिलो नाइट्राइल अनेक, तो ये एक्रिलो नाइट्राइल के बहुलकीकरण से बनता है, तो पहली विशेषता तो इसका नाम हो गया। अब देखते हैं हम कि इसका उपयोग क्या है, तो देखो ये ऊन जैसे तंतुओं का होता है, मतलब कि जब इसका प्रोडक्शन होगा तो ऊन जैसे तंतुओं में दिखाई देगा, तो इसी वजह से इसका जो उपयोग है वो स्वेटर बनाने में और तकिए बनाने में होता है, मतलब कि तकियों के अंदर जो पदार्थ भरा जाता है रुई जैसा, उसको बनाने में भी जो है वो पैन या आर्लॉन या पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल का उपयोग किया जाता है। इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम कैसे संपन्न होती है, तो देखिए एन अणु हमको लेने हैं किसके, एक्रिलो नाइट्राइल के, थोड़ा सा डिफरेंस है बस पीवीसी से, पीवीसी का जो हमने सूत्र लिखा था तो यहां एन की जगह पर एल था, सी एल, लेकिन ये सी एन है साइनाइड, ठीक है, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एन, ये एन है, एन अणु इनके हमने ले लिए, बहुलकीकरण इसका हम कराएंगे और द्विबंध को बदल देंगे एकल बंद में, और ये बन गया PAN पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, और ये क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है, ये CN है भाई, ठीक है, त्रिबंध होता है इनके बीच में, तो एक्रिलो नाइट्राइल बना बहुलकीकरण से पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये सभी विशेषताएं थी PAN या पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल की, आप इसे उतार सकते हैं। इसके बाद में जो है वो नया अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब पॉलीस्टायरिन का, तो पहले आप इसे उतार लीजिए अगर उतार रहे हैं तो अगर नहीं उतार रहे हैं तो फिर मैं अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करता हूं, जो है पॉलीस्टायरिन, ठीक है। तो पॉलीस्टायरिन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं अब आसानी से, अगर ये उतार लिया हो आपने, ठीक है। चलिए, तो पॉलीस्टायरिन को हम डिस्कस करेंगे, पॉलीस्टायरिन जो है पॉलीस्टायरीन, ये अब समझ ही आ गया होगा आपको किसके बहुलक से बनेगा, ये स्टायरीन के बहुलक से प्राप्त होता है, मतलब स्टायरीन जो है उसके बहुलकीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी, रिएक्शन देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये जो है ये है स्टायरीन, इस स्टायरीन को बहुलकीकरण होगा इसका, द्विबंध को हमें कन्वर्ट कर देना है एकल बंध में CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5 और यह बन गया पॉली स्टायरिन। तो कुछ इस तरीके से पॉली स्टायरिन का निर्माण होता है। ये C6H, देखो अंतर तीनों में ही हमने देखा, पीवीसी में यहां CL था, पैन में यहां पर CN था और पॉली स्टायरिन में यहां पर आ गया C6H5, तो मुख्य अंतर केवल इसमें यही होने वाला है। तो ये था इसका उदाहरण, आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसके उपयोगों की बात करें तो भाई इसका जो उपयोग है वो कप बनाने में होता है चाय के, इसके अलावा बोतलों के ढक्कन वगैरह बनाने में, फ्रिज के भाग बनाने में, टाइल्स बनाने में
और पैकिंग मटेरियल जो होता है उनको बनाने में इसका उपयोग जो है वो होता है। तो हम इसके अगर उपयोग की बात करें तो चाय के कप, फ्रिज के भाग, मतलब जहां पर भी लगे कि ये प्लास्टिक का हिस्सा है वो, ठीक है। इसके अलावा पैकिंग सामग्री, बोतलों के ढक्कन, बॉटल कैप जो होती है, ठीक है। और क्या उदाहरण हो सकता है, टाइल्स वगैरह, टाइल्स, हाँ एक टाइल्स में और इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो पॉलीस्टाइरिन से बनती है। तो ये सभी जो विशेषताएं थी वो पॉलीस्टाइरिन की थी, ठीक है। ये था इस चैप्टर का हिस्सा मुख्य रूप से, जिसमें हमने भाई जो भी विशेषताएं थी उनको डिस्कस किया, चाहे वो प्राकृतिक बहुलक हो या संश्लेषित बहुलक हो। अब कुछ इक्का दुक्का टॉपिक बचे हैं जिनको लास्ट वीडियो के अंदर हम उनको आसानी से जो है वो कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए अभी के अभी, भूल जाते हो बाद में आप। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो, जिससे कि आपको लिंक आसानी से प्राप्त हो सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।